गुड मॉर्निंग गाइज, हमारा नाम है शिवम दुबे और स्वागत है आपका गोवा में। तो रात में यहाँ पे दिख नहीं रहा था, यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक पहाड़ टाइप का है, उस पर पूरा पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं और वो बहुत सुंदर दिख रहा है यहाँ बालकनी से। और पीछे आपको आवाज़ आ रही है, वो वेव्स की आवाज़ें हैं जो लहरें किनारों से टकराती हैं तो आवाज़ें आती हैं ना। तो यहाँ पर बहुत पास ही प्राइवेट अभी चलेंगे, वहाँ वहीं पे ही हम जा रहे हैं, प्राइवेट बीच है। तो रात में मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी दिखा नहीं पाया था सही से। अभी यहाँ से ये वॉक थ्रू देख लो जहाँ पे हम रुके हुए हैं, इस तरीके से है ये। और आगे जाके वहाँ पे, अब इसमें जूम हो जाएगा तो मैं करके दिखाता हूँ, वहाँ पे बीच है और ये पर्सनल पूल भी है, प्राइवेट पूल भी है। इनसे भी मिल लो भाई लोग, यहाँ पे इनको लग रहा है मैं कुछ खाने के लिए लाया हूँ और यहाँ मेरे को ये भी कुछ खाने को नहीं मिला सुबह से। तो आप देखो बैकग्राउंड में कितना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है, यहाँ ग्रीन है, ये शायद टील है। और ये इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं और घर बने हैं, ये पता है घर जैसा बना हुआ है। ऊपर देखो, हम लोग लकी थे कि हमको ये बालकनी वाला मिल गया और वहाँ से जो व्यू आ रहा है ना वो बहुत प्यारा आ रहा है। अभी मेरे पास जूम लेंस नहीं है, नहीं तो मैं आपको वहीं से जूम करके बीच दिखा देता, इतना सुंदर लग रहा है। लेकिन अब हम वहाँ जा रहे हैं, आई एम गोना वॉक और थोड़े से स्टेप्स पूरे करने की कोशिश की जाएगी। तो मैं जूते पहन के आ गया हूँ, चप्पल इस बार मैंने रखी नहीं। और अब ये जूते ना, मैं ये डर भी रहा हूँ कि कहीं गंदे ना हो जाएं, क्योंकि ये जो रेत है ना इससे पीले पीले हो जाते हैं और वो फिर छूटता नहीं है जल्दी। अभी जो बीच आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत शांति है, बहुत कम लोग वॉक कर रहे हैं और गिने चुने कितने लोग हैं, ये 8-9 लोग हैं बस, ठीक है। और अभी यही हाल अगर हम बागा या फिर कलंगूट पे होते तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती। मुझे गोवा आके भी भीड़ में नहीं जाना पसंद है। अच्छा, कल क्या हुआ था मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कल जब हम लोग अपना, मैंने करी और राइस खाया था और यहाँ पे गोवन करी है, और सत्यम ने भी उसी करी के साथ एक तंदूरी रोटी खाई थी। तो हम लेट पहुँचे, यहाँ पे प्लेट्स नहीं थी, हमने पैक करवाया था उसको। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास प्लेटें थी नहीं, तो हमने जो वॉश बेसिन होता है ना उसकी बगल में सेरेमिक प्लेटें पड़ी रहती हैं, उसके ऊपर ब्रश व्रश या साबुन वाबुन रखा रहता है, हमने उसको लिया, अच्छे से वॉश किया और हमने कल रात का खाना उसमें खाया है। क्योंकि होटल वालों ने मना कर दिया था कि सर किचन क्लोज हो गए, प्लेट्स आपको मिल नहीं सकती है, तो इस वजह से। और इतनी हंसी आ रही थी रात में, मैंने बोला भाई तू बहुत जुगाड़ू आदमी है। ज़्यादा चलने का एक फ़ायदा और है यहाँ पे, कि आप जितना ज़्यादा चलोगे उतनी कैलोरीज बर्न होगी और उतना ज़्यादा आपका जो कैलोरी बजट है वो बढ़ जाएगा, आप नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो। और मैं बहुत पेटू हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ, अगर मैं फिटनेस में नहीं होता ना अभी तो मैं बहुत ज़्यादा भारी होता, बहुत ज़्यादा मोटा होता, क्योंकि मुझे खाना पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। अब खा पी सकते नहीं है उतना ज़्यादा दबा के, क्योंकि फिटनेस में है अपना, आप आउट ऑफ शेप नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ अच्छे से, ठीक है, एक्सरसाइज में कोई भी कमी नहीं छोड़ता हूँ और खाता उतना ही हूँ। अगर मैं एक्सरसाइज करना बंद कर दूँ ना तो मैं कसम से बता रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो जाऊँ, बहुत ज़्यादा भारी हो जाऊँ, ठीक है। इसलिए लाइफ में ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप खाना ज़्यादा चाहते हो तो यू विल हैव टू अर्न इट, आपको उसको कमाना पड़ेगा। अब वो कैसे भी कमाओ आप, ज़्यादा चल के, ठीक है, दिन में 2 बार वर्कआउट करके। और मैं इन्फ्लुएंसर हूँ तो मैं आउट ऑफ शेप कभी भी नहीं जा सकता हूँ, तो बस इतनी सी बात है। ब्रेकफास्ट हम लेट हो गए हैं ऑलरेडी, यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, ढक्कन खुल गए हैं। ये राइस और राइस खीर है, ये है सांभर इडली, ये है सत्यम जल्दी चला गया मेंदू वड़ा पोहा, और सत्यम इज़ हैविंग एग्स एंड पूरी सब्जी। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के जितने भी सोर्स थे सब मैंने थोड़ा थोड़ा ले लिया है, क्योंकि अभी एक्सरसाइज करने चल, अभी जिम ढूंढना नहीं है, खा पहले लो, क्योंकि खाना ज़रूरी है, अच्छा तगड़ा ब्रेकफास्ट। और ये सारी चीज़ें, ये सारी एनर्जी जिम में जाके यूटिलाइज हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या है।
सांभर है, मैंने यहाँ पे पपीता और तरबूज लिया है, ये मफिन है थोड़ा सा मीठे के लिए, मेंदू वड़ा, इडली और ये वो राइस वाली खीर। अभी राइस वाली खीर मेरे को मम्मी के हाथ की जो बनी रहती है ना उसके अलावा पसंद नहीं आती, इसीलिए मैंने थोड़ी सी ली है, अगर टेस्टी लगेगी तो थोड़ा सा और ले लेंगे इसको। ब्रो तेरे को भी लेना है क्या प्रोटीन? नहीं। इसका क्या करेंगे एस्ट्रे का? करके करेंगे। वहाँ से मेरा प्रोटीन का पैकेट लिया। तो भाई दो स्कूप पियेंगे आज तो। तू तो पी नहीं रहा है, तेरा स्कूप मैं मार लेता हूँ। नहीं यार प्लीज यार। नहीं पिएगा? बोला दो तीसरी बार, बोला कैमरे में भी तीसरी बार सुनाई देगा। जिम के बाद पिएगा? नहीं आके पिएगा, ब्रेकफास्ट से पहले पी, जिससे खवाए। अच्छा तेरे को तो जरूरत है ज्यादा खाने की, चल ठीक है, तेरे को तो ज्यादा ही खाना है ना इवेंचुअली। बेचते नहीं है ये, सही बात है। डेढ़ खाता हूँ क्योंकि हम गिनती के चम्मच लाए हैं, और अगर ये चम्मच यहाँ पे हमारे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे प्रोटीन मिलने वाला नहीं है। यू कैन यूज़ माई कोड, आप लोग मेरे को सपोर्ट करने के लिए यू कैन यूज़ माई कोड, अदरवाइज आप किसी का भी कोड यूज़ कर सकते हो अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर का। ये रूम सर्विस वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, दो छोटे छोटे पाउच मेरे को कॉफ़ी के मिल गए थे, मैंने उसमें थोड़ा सा क्रीम मिला के एक कॉफ़ी बनाई है, और नहीं तो मेरे को नींद आ रही थी। अभी जिम में जाके मैं एकदम ताबड़तोड़ वर्कआउट करने वाला हूँ, देखो आप। सत्यम को आज मैंने पहली बार कैमरा पकड़ा है अपना वीडियो बनाने के लिए, और सत्यम इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि सत्यम ने अभी बोला कि भाई यार मेरे हाथ से ना भैया कैमरा ना गिर जाए। तो भाई बताना, बचा के रखना है स्कूटी के ऊपर, पीछे तू बैठ रहा। तो भाई मैंने स्टाइल मारने के लिए ये जो मेरी जैकेट थी जिम शार्क की, भाई फट तो नहीं गई, निकाल के इधर रख ली, ये जो स्पेस होता है गाड़ी की डिक्की में, मत दिखा वो समझ जाएंगे लोग। और अब क्या हुआ, मैं गाड़ी चलाने लगा, मेरे को कायदे से बैग में डालना चाहिए था, ये गिर गई और हम पहुंच गए 4-5 किलोमीटर आगे, और इस पे से गाड़ी घोड़ा ट्रक साइकिल, अभी साइकिल वाला हमारे जस्ट सामने निकला, सब निकल गए। भाई ये बहुत महंगी है यार, इसलिए इसको वापस आना पड़ा लेने। आज सब नुकसान वाली चीज़ क्यों हो रही है भाई, दो बार टल्ले खा के फ़ोन भी नीचे गिर गया, इसका स्क्रीन गार्ड भी बदलवा लेंगे सत्यम। तो हम लोग फाइनली आ गए हैं इम्पैक्ट फिटनेस, दिख रहा है वहाँ से, हाँ इम्पैक्ट फिटनेस में आ गए हैं। अब इम्पैक्ट फिटनेस में देखेंगे भीड़ कितनी है, 10-12 रेप रेंज में ट्रेन करेंगे। तो गाइस वर्कआउट हो गया है, अच्छा अब चल के कुछ खाते हैं बाहर। हम लोग आए इधर, पास में ही था जिम के बर्गर फैक्ट्री, यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया एक बर्गर, आई एम हैविंग दिस डाइट कोक, और घर जाके मैं लूँगा एक स्कूप वे प्रोटीन।